पेश है देश भर की खास खबरें। लॉकडाउन के बीच सरकार और देश की जनता के लिए बड़ी राहत की बात सामने आई है। देश में खुदरा महंगाई दर फरवरी के मुकाबले कम हो गई है। यह आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार मार्च में खुदरा महंगाई दर 67% कम हुई है। जानकारों की माने तो खाने पीने का सामान सस्ता होने के कारण महंगाई दर के आंकड़े कम हुए हैं। यह खबर पंजाब से। हमले में हाथ कटा चुके एएसआई हरजीत सिंह ने कहा, जो हादसा हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही ड्यूटी पर लौटूंगा। ये पंजाब पुलिस के जांबाज एएसआई ने कहा। हरजीत सिंह पर पटियाला में ड्यूटी के दौरान एक निहंग ने तलवार से वार करके उनका हाथ काट दिया था। उपचार के बाद आंखें खुलने पर उन्होंने अपने साथी और पटियाला सिविल लाइन्स के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर राहुल कौशल से अपने मन की बातें साझा की। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो बीएसपी और करोड़ों फॉलोअर्स की तरह से बाबा साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित, आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले दूसरे समुदायों के सम्मान के साथ जीवन गुजारने पर लगाया। पंजाब सरकार ने राज्य में शराब के ठेके खोलने का मन बना लिया है। कोविड 19 संकट के चलते लगाए गए कर्फ्यू के बीच सरकार ने रोजमर्रा जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की तो छूट दी ही थी, लेकिन शराब के ठेके के बिना किसी नोटिफिकेशन के ही बंद कर दिए गए। नतीजन राज्य सरकार को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर होने वाली कमाई पूरी तरह ठप हो गई। WHO ने चेतावनी दी है कि कोविड 19, जिसका पहला मामला पिछले साल चीन के वुहान में सामने आया था, वो स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा घातक है। WHO के महानिदेशक ट्रेडोस अग्नोम ग्रेब्रियस ने कहा कि कई देशों के साक्ष्य हमें इस वायरस के बारे में स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये व्यवहार करता है, इसे रोका जा सकता है और कैसे इसका इलाज हो सकता है। हम जानते हैं कि कोविड 19 बहुत जल्दी फैल रहा है और हम यह भी जानते हैं कि यह 2009 की महामारी से 10 गुना ज्यादा घातक है। हिमाचल में कोरोना वायरस से बचने के लिए हिमाचल में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों से पहुंचने वाली अति आवश्यक वस्तु में वायरस आने की संभावना को देखते हुए सिरमौर एक मटेरियल सैनिटाइज टनल का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर आने वाले वाहनों को इस टनल के माध्यम से सैनिटाइज किया जाएगा। टनल की क्षमता एक समय में एक ट्रक या तीन छोटे वाहनों को सैनिटाइज करने की है। नई दिल्ली में कोरोना की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान यातायात के साधनों का परिचालन भी बंद है। ऐसे में किसी इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के द्वारका थाने की पुलिस ने बुजुर्ग और महिलाओं को हो रही समस्याओं को देखते हुए इसके लिए इमरजेंसी कैब सेवा की शुरुआत की है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों और महिलाओं को दवा और जरूरी सामान को लेकर सबसे अधिक समस्या हो सकती है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक भारत में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में मंगलवार को पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने देश के युवा वैज्ञानिकों से कोरोना की वैक्सीन बनाने की अपील भी की। बता दें कि अब तक दुनिया के किसी देश को वैक्सीन बनाने में कामयाबी नहीं मिली है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आज भारत के पास बड़े ही सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि वे विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए आगे आएं, कोरोना की वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाएं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।